हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो कि भारत के महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित है। नासिक ज़िले में आपको त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। नासिक में आपको रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा, तो आप किसी भी राज्य से अगर ट्रेन से आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। नासिक में जैसे आप पहुंचते हो तो सेंट्रल जो भी CBS बस स्टैंड है वहाँ से आपको डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आपको टैक्सी से आना है तो टैक्सी भी प्राइवेट अवेलेबल होती है। और सबसे ज़रूरी बात, मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, तो जब भी आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो टाइम हमेशा याद रखें, मंदिर सुबह 6 से रात 9 बजे तक ही खुला रहता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ रहती है, तो सुबह जल्दी आए दर्शन के लिए ताकि आप लाइन से हो या फिर आप पेड़ दर्शन भी करने हो तो भी आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो जल्दी आ जाए। मंदिर में महादेव जी के दर्शन करने से पहले आप एक बार कुशावर्त जलकुंड में ज़रूर स्नान करें, उसके बाद ही मंदिर में भगवान शिव जी के दर्शन के लिए जाएं। कुशावर्त कुंड की एक ऐसी कहानी, जब भगवान शिव जी ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा तब महर्षि जी ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने के लिए वरदान में मांगा, लेकिन इस पर माँ गंगा ने यह शर्त रखी, यदि शिव जी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेंगी। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वह यह बस गए। वैसे तो महादेव जी को धतूरे का फूल काफ़ी प्रिय है, पर हमने गुलाब के फूल और बेलपत्र लिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे फूल अवेलेबल होते हैं महादेव जी पे चढ़ाने के लिए। आप चाहे तो 200 रुपये भर के पेड़ दर्शन भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ फ्री दर्शन भी कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जो निर्माण है, तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 से 1760 के बीच में कराया है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए कई साल लग गए थे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक छोटे से होल में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। यह 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। इसीलिए शिवलिंग का सबसे निचला हिस्सा ब्रह्मा जी को दर्शाता है, क्योंकि सृष्टि के रचनाकार से ही शिवलिंग की शुरुआत होती है। शिवलिंग के बीच का हिस्सा या मध्य भाग सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। वही सबसे ऊपरी भाग जो अंडाकार आकार में होता है वह भगवान शिव जी को दर्शाता है, इसका मतलब अनंतता और उन्नति से है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बेहद महत्व है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से वह खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन के महीने में या सोमवार को कोई लोग अगर मंदिर जाकर शिवलिंग में पूजा सामग्री अर्पित करते हैं, ऐसा करने से महादेव जल्द प्रसन्न होते हैं। Thank you.
साथ ही आपको रत्न जड़ित हीरे मोती जवाहरात से जो भी मुकुट सजता है और वो मुकुट के अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको सोमवार के शाम 4 से 5 के बीच दर्शन हो सकता है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प शांति त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होने के लिए करवाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्त अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें, और बस सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए।